हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। मैं हूँ रोहित खिलनानी। मैं कुछ दिन पहले एक लाइव कर रहा था तो एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही कॉमन सवाल जो गूगल और यूट्यूब पे पूछा जाता है वो है, आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है इस वक्त, विच इज़ द बेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन इंडिया। आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। बहुत लोग ये सवाल गूगल करते हैं, ये सवाल सर्च करते हैं गूगल पे और यूट्यूब पे। I don't know what answer they are expecting, but is there an answer? Does anyone have an answer to this without having biases? मुझे नहीं लगता है। क्या मेरे पास ये आंसर है? जी नहीं। तो आप पूछेंगे कि why am I making this video? I'm making this video to tell you that this popular question may be having answers from some people because they are from a particular industry. पहले देखते हैं कितनी फिल्म इंडस्ट्रीज है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है, तमिल फिल्म इंडस्ट्री है, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है जिसको कहा जाता है बॉलीवुड। हर इंडस्ट्री के अलग एडवांटेजेस है। मलयालम सिनेमा का ऑडियंस बहुत कुछ एक्सेप्ट करता है, बहुत ही एक्सपेरिमेंटल काम आप कर सकते हैं, आप वहाँ बहुत सारी फिल्में बना सकते हैं अलग आइडियाज़ को लेकर। अगर आप एक मलयालम प्रोड्यूसर ढूंढे शायद आपको आसानी से मिल जाए। तमिल सिनेमा एकदम अलग है। आप में से कई लोगों जो ये सवाल कर रहे हैं, आप लोगों ने कई तमिल फिल्म्स देखी होगी। हैदराबाद में तेलुगु सिनेमा अलग है। उन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम किया कि बाहुबली बना दी और दुनिया में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का नाम रोशन हो गया और उसके वजह से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का नाम रोशन हो गया, सो वी थैंक देम फॉर दैट। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का एक अलग ही नीश है। पंजाबी एक्टर्स और फिल्म मेकर्स फिल्में बनाते जाते हैं और देर इज़ एन ऑडियंस देर जो सिर्फ पंजाबी फिल्में देखता है और सिर्फ पंजाबी गाने सुनता है। एंड लेट मी टेल यू, ये वो सिर्फ पंजाब में नहीं रहते हैं, वो कैनेडा में भी रह सकते हैं, वो यूके में भी रह सकते हैं और वो सिर्फ पंजाबी फिल्म देखते हैं, तो उनका भी एक अलग नीश है। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के बारे में मैं जो भी कहूँ वो आप पहले ही जानते होंगे, इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री। बॉलीवुड का स्टारडम कुछ अलग ही होता है। खैर, स्टार्टअप तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री का भी अलग होता है, लेकिन बॉलीवुड से जो दुनिया का एक ऑब्सेशन है, यू नो, जो थ्री खान्स को लेकर है, जो एक नए जनरेशन को लेकर है, वो एक अलग ही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये फिल्म इंडस्ट्री का ये अच्छा है, वो फिल्म इंडस्ट्री का वो अच्छा है? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन? इनफैक्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू, प्लीज राइट इन द कॉमेंट सेक्शन दैट व्हाई आर सो मेनी ऑफ यू आस्किंग दिस क्वेश्चन। अगर आप एक टेक्नीशियन है जो मलयालम अच्छा बोलते हैं, या आप एक एक्टर डायरेक्टर राइटर हैं, और या आप एक सिंगर है जो मलयालम में अच्छे गाने गा सकते हैं, तो आप मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कीजिए, बहुत ही अच्छी फिल्म इंडस्ट्री है। सेम फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज। अगर आपको बॉलीवुड में काम करना है तो आप मुंबई आइए, बॉलीवुड में काम कीजिए। कोई इंडस्ट्री को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। अगर मैं आपको कह दूँ ओके, तमिल इंडस्ट्री इज़ द बेस्ट फिल्म इंडस्ट्री, ऐसा नहीं है कि ये दो कंपनीज है दुनिया की, आप बोलेंगे कि अच्छा बिकॉज मैंने ये कहा तो मैं अभी ये इंडस्ट्री नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं वो कंपनी ज्वाइन करूंगा। ये कोई कंपनीज तो है नहीं, ये फिल्म इंडस्ट्रीज है, बहुत ही बड़ी फील्ड है। जितना स्टडी करो एक जीवन निकल जाएगा कि क्या क्या आप एक फिल्म सेट पे कर सकते हैं। देयर मस्ट बी थिंग्स जो आपको पता भी नहीं होंगे। तो अगर आपको कोई ये क्वेश्चन आंसर करके देता है with backing and proof and numbers and data, please share it with me also because I don't think there is a good answer to that. Har film industry ke apne pros aur apne cons hain. मैं कोई नहीं हूं आपको बताने वाला कि कौन सी फिल्म इंडस्ट्री बेस्ट है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं काम करता हूं। आई एम अ फिल्म जर्नलिस्ट जो बाहर से काम करता है। आई ऑब्जर्व इट, आई वॉच इट, आई एंजॉय इट, आई अडोर इट, एंड दैट्स अबाउट इट। सो डोंट फॉल फॉर एनी ऑफ द आंसर दैट दिस फिल्म इंडस्ट्री इज बेटर देन दैट फिल्म इंडस्ट्री। एवरी फिल्म इंडस्ट्री हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। सो ये सवाल क्योंकि इतना पॉपुलर था, मुझे बहुत लोगों ने लिखा ये वीडियो बनाने के लिए, मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप यू टेक माई आंसर दैट एवरी फिल्म इंडस्ट्री इज गुड इन मैनी वेज एंड यू कैन लुक एट वॉट यू वॉन्ट टू डू इन इट। सो प्लीज डोंट फॉल फॉर एनी फेक आंसर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ गाइज़।